हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज वीडियो नंबर 17। प्रीवियसली 16 वीडियोस आर अवेलेबल इन प्लेलिस्ट, यू मे चेक फ्रॉम देयर। आई विल आल्सो मेंशन द लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। सो द नेम ऑफ चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बेसिकली आज हम इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, या गवर्नमेंट बजट किन संसाधनों के लिए या किस तरह का बजट होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। सो द नेम ऑफ चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, सालाना, हर साल बनती है ना। जैसे आप देखते होंगे संसद के अंदर 1 फरवरी को जनरली पेश होता है यूनियन बजट। गवर्नमेंट बजट इज आल्सो कॉल्ड यूनियन बजट। ओके, सो इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर का टाइम होता है हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बजट के जरिए दिखाना चाहती है कि इस साल हमारे पास इन इन सोर्स से पैसा आएगा, अभी आया नहीं, आएगा, एस्टिमेट लगा रही है, और हमारा पैसा कहां कहां खर्च होगा। तो एस्टिमेट है ये वर्ड याद रखना, अभी पैसा आया नहीं, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर दिया। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब व्हाई द बजट इज जनरली फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, व्हाई द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स द बजट। सो आवर वेरी फर्स्ट रीजन फॉर फॉर्मुलेटिंग द बजट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार योजनाओं में पैसा ज्यादा एलोकेट करती है, कम एलोकेट करती है, टैक्स कंसेशन देती है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में छूट देती है, या सब्सिडीज कम ज़्यादा करनी होती है, या किसी योजना में और पैसा लगाना है, तो उस लिए बजट बनाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। कोई योजना बंद पड़ी है, उसको उसमें फंड्स एलोकेट करने हैं, या किसी योजना में ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। बेसिकली गुड्स आर ऑफ टू टाइप, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। एंड यू नो पब्लिक गुड्स का ओनरशिप किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो गवर्नमेंट का होता है और वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। प्राइवेट गुड्स बिलोंग्स टू अ इंडिविजुअल एंड द ओनरशिप आल्सो कंट्रोल्ड बाय अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब देखो, सरकार बजट बनाती है तो वो क्या करना चाहती है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम करना चाहती है। और वो अंतर कम कैसे करती है, जैसे अमीर के ऊपर टैक्स लगाती है और फिर उस टैक्स को कहाँ पे खर्च करती है, पुअर के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर, ताकि जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर है उसको क्या किया जा सके, कम। आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती है, लाइक आयुष्मान कार्ड्स हैं, वो 5 लाख तक का इलाज फ्री है, या PDS सिस्टम है कोटा के जरिए, आप जानते हो न्यूट्रिशन, या मिड डे मील स्कीम है, या और जो गवर्नमेंट करती है जो समाज का थोड़ा कम इनकम वाला सेक्शन है उसके लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उस सेक्शन के लिए। तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट फंड्स या फ्री हेल्थ केयर की सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है ताकि अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम किया जा सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखिए गवर्नमेंट बजट इसलिए भी बनाया जाता है ना तो देश में इन्फ्लेशन हो और ना देश में डिफ्लेशन हो, क्योंकि देश के लिए दोनों ही बुरे हैं। अगर देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस कमोडिटीज का बढ़ रहा है, तब प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई या मनी की वैल्यू उस टाइम, मनी सप्लाई तो चलो देश में बढ़ जाएगी पर मनी की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, घट जाएगी, क्योंकि जब ही तो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे जब मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी की वैल्यू घटेगी। और अगर डिफ्लेशन है, चीज़ों के रेट घट रहे हैं, यानी मनी सप्लाई देश में घट गई है और मनी की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर भी प्रॉब्लम है अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश क्या रहे, बैलेंस बना रहे, ना तो देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आए और ना डिफ्लेशन की। करंट इन्फ्लेशन रेट 3 और 4 के आसपास है, वो आप एक बार देख लेना। तो ये 3 कारण थे अब तक जो हमने पढ़े जिनके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। अगला कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए देश तरक्की करे
दो कंसेप्ट हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जब देश में हाईवेज, नए नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, तो देश ग्रोथ कर रहा है, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज रहूंगी, तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट घटेगा, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट घटेगा, या एजुकेशन अच्छा मिलेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। नेसेसरी दोनों है देश के लिए, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट बजट इसलिए भी बनाती है ताकि देश क्या कर सके, इकोनॉमिक ग्रो कर सके। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती है, मान लो एक ये जगह है और एक ये जगह है, यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी बहुत, मतलब मिट्टी बहुत संपन्न है, लोग रिच हैं, अधिकतर पैसे वाले हैं, सबकी कमाइयां बहुत बढ़िया हैं, और ये रीजन मान लो पुअर रीजन है, ठीक है, वहां कुछ नहीं है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, यहां से टैक्स लेती है, कलेक्शन करती है, और कहां खर्च करेगी, यहां, ताकि इस रीजन, ये जो रीजन वन है, जगह वन है, और जो जगह टू है, रीजन टू है, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको क्या किया जा सके, कम। तो इसको बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज। एक राज्य भारत के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बहुत अमीर है, और दूसरा राज्य फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गरीब है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अमीर वाले राज्य से टैक्स लेगी, कलेक्शंस करेगी, और पुअर वाले राज्य पे खर्च करेगी, ताकि अमीर राज्य और पुअर राज्य के बीच का अंतर क्या किया जा सके, कम, और दोनों तरफ के लोगों का डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके, एंश्योर किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट आप जानते हो खर्च करती है पैसा, और पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की चाहे हम बात करें, या एम जी नरेगा की हम बात करें, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार, इतनी सारी योजनाएं, सब गवर्नमेंट पैसा क्यों खर्च करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके देश में। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, देश में पॉवर्टी कम होगा। पर एक बात याद रखना, यहां पे जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मनी सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोगों पे पैसा आएगा, और मनी सप्लाई के बढ़ते ही प्रकृति के पास तो संसाधन लिमिटेड है ना, मनी सप्लाई बढ़ते ही मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और देश के अंदर क्या आएगा, इन्फ्लेशन। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन भी बुरी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली भी बुरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन देश के लिए अच्छी है, वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। अब हम कंपोनेंट ऑफ बजट देखेंगे इसके बाद, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी कंपोनेंट ऑफ बजट। अब बजट के अंदर भी दो तरह के बजट बनते हैं, द फर्स्ट वन इज रिवेन्यू बजट एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल बजट। फर्दर ये भी दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट है, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम रिवेन्यू बजट पढ़ेंगे, उसके अंदर की ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कैपिटल बजट पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउ फर्स्ट वी विल सी रिवेन्यू बजट, और रिवेन्यू बजट के अंदर मैंने अभी आपको बताया दो चीज होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हम पहले रिवेन्यू रिसिप्ट को पढ़ते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, आर दोज रिसिप्ट, वो कमाई सरकार की जो ना तो नाइदर सरकार की कोई उधारी बढ़ाए, नोर कोज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ना सरकार की कोई संपत्ति घटाए। तो याद रखना, वो कमाई सरकार की जिससे ना तो कोई उधारी उधारी बढ़े, ना कोई संपत्ति घटे, ठीक है, ना तो कोई उधारी बढ़े सरकार की, ना सरकार की कोई संपत्ति घटे, उनको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। अब ये दो तरीके से आती हैं, एक में तो सरकार टैक्स लगाती है, दूसरे में नॉन टैक्स। टैक्स रिवेन्यू आप जानते हो सरकार टैक्स लेती है, दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन आप दूसरों पे नहीं शिफ्ट कर सकते, वो अगर आपके ऊपर लगा है तो आपको ही भरना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच यू कैन शिफ्ट ऑन अदर्स, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली कंसिडर्ड एज कंजप्शन बेस्ड टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जाम्पल इज अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज बेस्ड ओनली ऑन कंजप्शन। सो रिमेंबर, डायरेक्ट टैक्स यू कैन नॉट शिफ्ट ऑन अदर्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स यू कैन शिफ्ट ऑन अदर। सो बोथ ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम विच इज जनरेटेड टू द गवर्नमेंट इज टू बी कंसिडर्ड इन द रिवेन्यू रिसिप्ट। नाउ वी विल सी नॉन टैक्स रिवेन्यू। हेयर गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी टाइप ऑफ टैक्स टू एनी इंडिविजुअल, बट द गवर्नमेंट अर्न्स द मनी। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ई चीट्स। ई चीट्स यू मे कंसिडर लाइक एज कि ये कोई प्रॉपर्टी है, ये पेन, ये जो हमारे हाथ में मार्कर है, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ एसेट। पर इसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं, तो ये किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की। दैट इज कंसिडर्ड एज ई चीट्स। सो होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ई चीट्स। जैसे कोई संपत्ति है पर उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो दैट एसेट विल गोज टू द गवर्नमेंट। लाइसेंस फीस, एज यू हैव सीन, वी जनरली पे द ड्राइविंग लाइसेंस फी और एनी अदर लाइसेंस फी। तो वहां पे टैक्स तो नहीं लग रहा है ना, पर सरकार का इनकम हो रहा है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब मान लो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भरी, तो क्या कोई सरकार की उधारी बढ़ी है मेरे फीस भरने से? नहीं ना। या सरकार की कोई संपत्ति घटी? नहीं घटी। तो दे आर टू बी कंसिडर्ड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट याद रखना, ना तो कोई उधारी बढ़े सरकार की, ना कोई संपत्ति घटे। प्रॉफिट, सरकार को सरकारी कंपनी से मुनाफा हुआ है, तो क्या कोई उधारी बढ़ गई सरकार की मुनाफा आने से, या कोई संपत्ति घट गई? तो रिवेन्यू रिसिप्ट। फॉरफिटर, सरकार ने कब्जे करे, जैसे होते हैं ना, कुर्क कर लेते हैं संपत्ति को, फॉरफिट कर लेते हैं, तो क्या कोई उधारी बढ़ती है सरकार की अगर किसी की प्रॉपर्टी फॉरफिचर हो रही है, या कोई संपत्ति घट रही है सरकार की? नहीं ना। तो दे विल बी कंसिडर्ड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट मिला, फी, हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस की या और कोई फी भरी, तो उससे कोई उधारी बढ़ गई सरकार की, या कोई संपत्ति घटी? नहीं। फाइन एंड पेनल्टीज, अब जैसे कोर्ट लगाती है पेनल्टीज, या पुलिस मैंस लगाते हैं पेनल्टीज, या और भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं पेनल्टीज और फाइन्स लगाते हैं, तो क्या कोई उधारी बढ़ी सरकार की? नहीं। कोई चुकाना है सरकार को वो पेनल्टी जिससे लिया है? नहीं ना। या कोई संपत्ति घटी सरकार की? नहीं। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिवेन्यू रिसिप्ट फॉर गवर्नमेंट अंडर नॉन टैक्स रिवेन्यू। गिफ्ट्स या ग्रांट्स मिले दूसरे देश से, तो ना तो कोई उधारी बढ़ रही है, ना कोई संपत्ति घट रही है, सो दे आर टू बी कंसिडर्ड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो याद रखना, रिवेन्यू रिसिप्ट वो पैसा जो सरकार के पास आया जिससे ना तो सरकार की कोई उधारी बढ़े, ना कोई संपत्ति घटे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट। इसके बाद अब हम देखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आपने रिवेन्यू रिसिप्ट देखा जिससे ना तो सरकार की कोई उधारी बढ़ती हो, ना सरकार की कोई संपत्ति घटती हो, वो रिवेन्यू रिसिप्ट थे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट, जो ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ाए, ना कोई उधारी घटाए। मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिएगा, आप ये हिंदी में भी लिखिएगा अपनी नोटबुक में, ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ाए वो खर्चे, और ना कोई उधारी घटाएं। तो समझ आया आपको? वो खर्चे सरकार के जिससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़े,
ना सरकार की कोई उधारी घटे, उसको क्या बोलते हैं हम, रिवेन्यू खर्चे। जैसे मान लो सरकार ने सैलरी दी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो क्या कोई संपत्ति बढ़ी सरकार की? नहीं ना। क्या कोई सरकार की उधारी घटी किसी को सैलरी देने से? नहीं। तो वो खर्चा किस में आएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन दी सरकार ने, तो क्या कोई संपत्ति बढ़ी खर्चा करने से पेंशन पे? ना। क्या कोई उधारी घटी? नहीं। तो वो खर्चा किस में आएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो याद रखना स्टूडेंट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे ना तो कोई संपत्ति बढ़े ना कोई उधारी घटे। रिवेन्यू कमाई, ना तो कोई उधारी बढ़े ना कोई संपत्ति घटे। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में ना लगेगा, ये याद रखना आप, ये देख लेना। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल बजट, उसके अंदर पढ़ेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां तो आपने देखा ना शब्द है ना भाई, इसमें भी ना था और रिवेन्यू रिसिप्ट में भी ना था। वहां ना इधर हट के पता क्या लग जाएगा? आइदर, दोनों में। जैसे अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन लिखूंगा अभी, तो मैं क्या लिखूंगा? विच आइदर क्रिएट एनी एसेट और, क्योंकि आइदर के साथ और लगता है, और कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। यहां ना था दोनों डेफिनेशन में, वहां या आ जाएगा, बस ये फर्क है। तो दो को लर्न कर लेना, दूसरे दो खुद याद हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इनके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं कैपिटल रिसिप्ट लिखता हूं बोर्ड पे। स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी कैपिटल बजट। अंडर कैपिटल बजट वी विल रीड कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड कैपिटल रिसिप्ट। आर दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की वो कमाई, गवर्नमेंट के पास पैसा आया जिससे या तो गवर्नमेंट की कोई उधारी बढ़ती हो। रिवेन्यू रिसिप्ट में ना था, ना तो गवर्नमेंट की कोई उधारी, पर यहां क्या आएगा? आइदर है ना, तो या तो गवर्नमेंट की कोई उधारी बढ़ती हो या गवर्नमेंट की कोई संपत्ति घटती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। तो आप याद रखिएगा, या तो सरकार, लिख लीजिएगा ये, कि कोई उधारी बढ़े, ठीक है, या तो सरकार की कोई संपत्ति घटे, ठीक है, या तो कोई उधारी बढ़े या सरकार की कोई संपत्ति घटे, उसको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और क्लियर होंगी चीजें। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने किसी कंपनी में से अपना पैसा निकाला, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। सरकार पैसा निकाल दिया तो सरकार अब उस कंपनी की मालकिन नहीं रही, तो संपत्ति घट गई, तो कैपिटल रिसिप्ट। बॉन्ड्स बेच दिए सरकार ने, संपत्ति घट गई, कैपिटल रिसिप्ट। पैसा उधार लिया, उधार लिया है तो उधारी बढ़ गई, मैंने लिखा ना, या तो कोई उधारी बढ़े, तो बढ़ तो रही है बोरोइंग करते वक्त उधारी, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे, अब फिर यहां भी यह आएगा, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना था, यहां यह आ जाएगा, वो खर्चे जिनसे या तो कोई संपत्ति बढ़े या कोई उधारी घटे। तो आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आइदर क्रिएट एनी एसेट, या तो कोई संपत्ति बढ़े, ठीक है, या कोई उधारी घटे, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मान लो सरकार ने स्कूल बिल्डिंग बनवाई, तो संपत्ति बन रही है, कैपिटल खर्चा है, रिवेन्यू खर्चा नहीं है, क्योंकि वहां ना आता है, ना तो कोई संपत्ति बढ़े ना कोई उधारी घटे, पर यहां तो संपत्ति बढ़ रही है स्कूल बिल्डिंग बनवाने से या फ्लाईओवर बनवाने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन चुकाया सरकार ने, किसी का लोन ले रखा था, लोन चुका दिया, अब उसकी हमने उधारी तो नहीं है ना, घटगी ना उधारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो याद रखना बहुत सिंपल है, दो को लर्न कर लेना, समझ लेना, दूसरे दो खुद हो जाएंगे, दूसरों में या लगना है। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, पहले रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के, फिर उसके बाद देखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के, फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे चीजों को।
जैसे अभी मैंने आपको बताया रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हमने, लिया तो हमारी उधारी क्या हुई होगी, बढ़ रही होगी, कैपिटल रिसिप्ट। कॉरपोरेट टैक्स, सरकार को टैक्स मिला, क्या सरकार की कोई उधारी बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या कोई संपत्ति घटी, नहीं घटी, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है। वर्ल्ड बैंक ने मदद करी हमारी, छूट दी हमें, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि कोई उधारी नहीं बढ़ रही है, कोई संपत्ति नहीं घट रही है। सरकार की एक कंपनी को मुनाफा हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग, तो क्या कोई उधारी बढ़ी सरकार की उस मुनाफे से, नहीं। क्या कोई संपत्ति घटी, नहीं, रिवेन्यू रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपना पैसा निकाल लिया, अब पैसा निकाल लिया किसी कंपनी से तो संपत्ति क्या हो गई, घट गई, रिवेन्यू रिसिप्ट। सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, उस व्यक्ति ने लोन चुका दिया, अब उस व्यक्ति ने लोन चुका दिया तो अब वो सरकार की संपत्ति नहीं रहा, कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट मिला सरकार को, इंटरेस्ट मिला, उसने लोन दे रखा था तो क्या कोई उधारी बढ़ रही है इंटरेस्ट मिलने से, या कोई संपत्ति घट रही है, रिवेन्यू रिसिप्ट। अपनी बुक के क्वेश्चन करिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सब्सिडीज, अब हम देखेंगे रिवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा। सब्सिडीज, क्या सब्सिडीज दी सरकार ने किसी को, तो कोई संपत्ति बनी सरकार की, नहीं। कोई उधारी घटी, नहीं घटी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जर्मनी से, मिसाइल्स या इस तरह की चीजें खरीदी, कैसा खर्चा है, एसेट बन रही है ना, कैपिटल, क्योंकि कोई संपत्ति बढ़ रही है तो कैपिटल खर्चा। स्कूल बिल्डिंग बनवाई, बिल्डिंग बनवा रही है सरकार स्कूल की, संपत्ति बन रही है, कैपिटल खर्चा। ऑफिसर्स को सैलरी दी, ऑफिसर को सैलरी देने से कोई संपत्ति बढ़ी, ना जी। कोई उधारी घटी, ना जी, रिवेन्यू खर्चा। टैक्स इकट्ठा करने में कुछ पैसा खर्च हो गया तो कोई संपत्ति बनी, ना। कोई उधारी घटी, नहीं, रिवेन्यू खर्चा। तो ये क्वेश्चंस हैं, और आप अपनी बुक के भी देख लेना, जो भी आपके पास बुक हो इसके क्वेश्चंस ये जरूर करना। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट डेफिशिएट आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे पास ये संदीप गर्ग बुक है, बहुत बढ़िया किताब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों बहुत अच्छी हैं बोर्ड पर्पस से। अगर आपके पास भी यही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो जौन सी भी आपके पास किताब है उसको फॉलो कीजिएगा और उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम गवर्नमेंट डेफिशिएट देखेंगे, या बजटरी डेफिशिएट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, बजटरी डेफिशिएट तीन तरह के होते हैं, जो हर साल लगभग होते ही होते हैं। पहला रिवेन्यू डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट किसको बोलते हैं, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा हो जाए रिवेन्यू रिसिप्ट से। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिसर को सैलरी 30,000 दी सरकार ने और उसने टैक्स कलेक्ट करके दिया 10,000, तो कितना घाटा हुआ सरकार को, 20,000 का। दिस इज रिवेन्यू डेफिशिएट, और भी बहुत चीजों में होता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा हो जाए रिवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट को इकट्ठा करने के लिए खर्चा ज्यादा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे सैलरी बट गई 30 लाख, एम्प्लॉइज थे, और टिकट जो मंथली सेल हुई, रिवेन्यू आया, वो आया सिर्फ 1 लाख, तो 29 लाख का रिवेन्यू डेफिशिएट। आसपास बहुत दिखाई दे जाएगा अपने एरिया में, हर जगह देख लेना, गवर्नमेंट को रिवेन्यू डेफिशिएट होता है। फिस्कल डेफिशिएट, ये क्या होता है, जब सरकार के टोटल खर्चे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, और याद रखना जो पैसा आया ना उसमें उधार का पैसा इंक्लूड नहीं है, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। और याद रखना, फिस्कल डेफिशिएट बोरोइंग्स के इक्वल होता है। जब भी बोरोइंग शब्द आए किसकी बात कर रहा होगा, फिस्कल डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट यह हर साल होता ही होता है, पर एक केस में जीरो हो सकता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने पिछले साल उधार लिया था या उससे पहले साल
उस पे जो ब्याज भर रहे हैं उसको इस साल के राजकोष फिस्कल डेफिशिएट से माइनस कर देंगे तो प्राइमरी घाटा आ जाएगा। और ये जीरो हो सकता है एक केस में, कब, जब फिस्कल डेफिशिएट भी 10 हो और बोरो इंटरेस्ट भी कितना हो 10, तो प्राइमरी डेफिशिएट कितना आएगा, जीरो। कई बार क्वेश्चन में यहां क्या लिख के रखता है, बोरोइंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिस्कल, जहां भी फिस्कल डेफिशिएट आए ना, समझ लो बोरोइंग है वो। फिस्कल डेफिशिएट हमेशा बोरोइंग्स के इक्वल होता है। प्राइमरी डेफिशिएट कैसे निकलेगा, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। और अगर फिस्कल निकालना हो तो एक फॉर्मूला तो यह है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। दूसरा क्या बनेगा फिस्कल का, प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ आप ही के ऊपर डिपेंड है। जब आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं चीज़ों को तो ही उन्हें भी पता चलता है और हमारा चैनल भी ग्रो करता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या कोई चीज़ पूछनी है या रह गई है आपकी बुक में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको हम एक्सप्लेन करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। बाकी आप स्वस्थ रहिए। ये जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी गई हैं इनको नोट्स में बना लेना, या जो हमने पहले जो कॉपी पे बनाई थी वीडियोस मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहाँ पे उन्हें देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, या इन्हें बना लेना जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। बाकी आप स्वस्थ रहें, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, इस देश के लिए अच्छा कीजिए, सोसाइटी को अच्छा बनाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।